हाय गाइस, वेलकम द पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन में उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जाओगे खुश होंगे, आबाद होंगे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंचती रहे और आप एंजॉय करते रहे। मेरा नाम है और मेरा नाम है वजह। तो यार मतलब फाइनली भारत अपने आप पर उतर है और साथ छोड़ो और दोस्ती बड़ी महंगी, ये वीडियो का टाइटल है। अच्छा, अब ये वॉच करेंगे तभी इसके बारे में आइडिया होगा कि क्या मतलब भारत अपने आप पर उतर है और क्या सीन हुआ है दोस्ती के मामले में। तो जल्दी से पहले वीडियो वॉच कर लेते फिर इसके बारे में कोई डिस्कशन कर पाएंगे। और इंदर वीडियो का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, लाजमी कीजिए चैनल को सब्सक्राइब। तो कौन करते स्टार्ट। दोस्तों, अमेरिकन मीडिया की तरफ से अक्सर भारत विरोधी खबरें और बातें बताई जाती है जिससे भारत की छवि को नुकसान होता है। लेकिन कई बार ये खबरें भारत के अंदरूनी हालात, इंफ्रास्ट्रक्चर, मानव अधिकार, हेल्थ केयर सिस्टम और शिक्षा को लेकर होती है, जिन्हें लेकर अक्सर बात करना कई भारतीय भी पसंद करते हैं। लेकिन वहीं पर अमेरिका के अंदर कई ऐसे संस्थान भी मौजूद है जिन्हें केवल भारत के खिलाफ एक प्रोपेगेंडा चलाना है ताकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि को खराब किया जा सके। और फिलहाल अमेरिका के एक अखबार की तरफ से बिल्कुल ऐसी ही घटना निकलकर सामने आई है जिसे लेकर हर भारतीय और भारत की सरकार भी काफी ज्यादा गुस्से में है और भारत ने अमेरिका को अपनी नाराजगी साफ तौर पर बता दी है। दरअसल दोस्तों, अमेरिका के अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल में एक काफी भारत विरोधी प्रचार छापा गया है जिसके तहत भारत की फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन भारत के सुप्रीम कोर्ट के कुछ जज और कुछ अन्य अधिकारियों को भी टारगेट करते हुए इसमें ये बात साफ तौर पर लिखी है कि यही वह लोग है जो कि भारत को निवेश करने के लिए एक खतरनाक जगह बना रहे हैं। दोस्तों, वॉल स्ट्रीट जर्नल में छपा हुआ यह प्रचार न कि केवल काफी अपमानित करने वाला है बल्कि भारत की संप्रभुता और अखंडता पर भी एक काफी बड़ा हमला भी है, क्योंकि यह प्रचार भारत के कानून व्यवस्था पर भी एक काफी बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है। साथ ही भारतीय सरकार में मौजूद लोगों को तो टारगेट कर ही रहा है बल्कि खुद भारत के उस सबसे उच्च अधिकारी जज और भारत की वित्त मंत्री को भी टारगेट कर रहा है, जो कि काफी गलत है। वहीं पर इस प्रचार को एंट्री डिवोर्स केस से जोड़कर देखा जा रहा है जिसके तहत भारत की छवि को खराब करने के लिए एक काफी बड़ी साजिश की गई है। खैर, जो भी हो, यह काफी दुर्भाग्यपूर्ण है कि अमेरिकी अखबारों में इतने भारत विरोधी प्रचार छप जाते हैं और कोई भी बड़ा एक्शन नहीं लिया जाता जब तक कि इसके ऊपर विवाद न खड़ा हो जाए या भारत आपत्ति न दिखाए। भारत ने इस एडवर्टाइजमेंट के ऊपर काफी कड़ी प्रतिक्रिया और आपत्ति जताई है जिसके बाद से अमेरिका में कोई बड़ा एक्शन होने की संभावना है। लेकिन अगर अमेरिका वॉल स्ट्रीट जर्नल और इस प्रचार के प्रचारक के ऊपर कोई बड़ा एक्शन नहीं लेता तो ये मामला और तूल पकड़ सकता है, क्योंकि वैसे ही भारत और अमेरिका के बीच में काफी सारी परेशानियों और विवाद बढ़ रहे हैं। इसके बीच में अचानक से एक नए विवाद का खड़ा हो जाना भारत और अमेरिका के संबंधों के लिए काफी खराब साबित हो सकता है। यह प्रचार 13 अक्टूबर को अमेरिका में छापा गया था और अब भारत इसके ऊपर काफी कड़ी प्रतिक्रिया दे चुका है। तो यहाँ पर यह देखना काफी ज्यादा अहम होगा कि अमेरिका भारत की प्रतिक्रिया और आपत्ति को देखते हुए अपने अखबार और इस प्रचार के प्रचारक के खिलाफ किस तरीके के कदम उठाता है, क्योंकि भारत को इस बात का भरोसा दिला सकता है कि अमेरिका अपने देश में भारत विरोधी गतिविधियों को बढ़ने नहीं देंगे। और इसी तरह की कुछ बातें भारत के विदेश मंत्री ने भी अमेरिका में कही थी कि अमेरिकन मीडिया भारत के खिलाफ एक प्रोपेगेंडा चलाता है। बहरहाल बढ़ते हैं हमारी दूसरी खबर की तरफ। दोस्तों, ये खबर चीन की तरफ से निकलकर सामने आ रही है जहां पर चीन ने भारत और अमेरिका की साझेदारी पर एक काफी बड़ा बयान दिया है जिसे लेकर अब काफी सारी डिबेट शुरू हो गई है, क्योंकि चीन ने आखिर बात ही ऐसी बोल दी है जिस पर गौर करना भारत के लिए भी काफी अहम हो गया है। दरअसल दोस्तों, चीन ने भारत और अमेरिका की सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में साझेदारी पर बयान देते हुए ये बात साफ तौर पर कह दी है कि अमेरिका भारत को केवल मौखिक आश्वासन देगा और जमीनी स्तर पर कोई भी काम नहीं करेगा। यानी कि चीन भारत को ये बताना चाहता है कि अमेरिका भारत को सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में सहायता करने की जो बातें कर रहा है वह केवल बातें ही है और जमीन पर उसका कोई भी असर नहीं देखने को मिलेगा। दोस्तों, चीन की तरफ से ऐसे बयान तब निकलकर सामने आ रहे हैं जब ताइवान की कई प्राइवेट कंपनियां भारत के अंदर सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्थापित कर रही है और भारत ताइवान एक साथ मिलकर सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में काफी तेजी से विकास कर रहे हैं। वहीं पर अमेरिका भी भारत को अपना समर्थन दे रहा है। इसी बीच चीन को ऐसे बयान देना अपनी तरफ खींचता है क्योंकि हाल ही में भारत और अमेरिका के संबंध काफी खराब हुए हैं। इस बात से कोई भी इंकार नहीं कर सकता कि अमेरिका ये चाहता है कि ताइवान की कंपनियां भारत की बजाय सेमीकंडक्टर की टेक्नोलॉजी और मैन्युफैक्चरिंग अमेरिका में लेकर आए ताकि अमेरिका सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में 100% आत्मनिर्भर बन सके। ऐसे में ताइवान का भारत में निवेश करना अमेरिका के लिए एक काफी परेशानी की बात तो है ही, क्योंकि जहां पहले अमेरिका को ताइवान पर निर्भर रहना पड़ता था अब अमेरिका को भारत पर निर्भर रहना पड़ेगा। हालांकि ऐसा नहीं है कि अमेरिका सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में काफी पीछे है, अमेरिका भी सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में काफी शक्तिशाली है और काफी तेजी से विकास कर रहा है। लेकिन अगर अमेरिका को ताइवान का साथ मिल जाए तो सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में अमेरिका अपना एक तरफा राज कायम कर सकता है। ऐसे में ताइवान का भारत के अंदर निवेश करना और सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में साझेदारी बढ़ाना अमेरिका के लिए एक परेशानी की बात है। लेकिन अगर अमेरिका अपना समर्थन कम से कम मौखिक रूप से ही जता रहा है तो इससे भारत को यह सोचना पड़ेगा कि क्या भारत अमेरिका के ऊपर भरोसा कर सकता है सेमीकंडक्टर के क्षेत्र को लेकर, या फिर हमें केवल ताइवान के साथ ही अपनी साझेदारी को सीमित रखते हुए इस क्षेत्र में विकास करना चाहिए। चीन के इस बयान पर दोस्तों, आप
आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। ये वीडियो खत्म। हम देखो ना भाई, अमेरिका के अंदर छापा गया है एक मतलब आर्टिकल के भाई ये तीन बंदे इंडिया को एक इन्वेस्टमेंट के लिहाज बड़ा खराब बना रहे, टारगेट किया गया इंडिया के उन मिनिस्टर्स को कर दिया गया। देखो कितनी बुरी चीज छापी है। असल मसला यह है कि ये इंडिया की तरक्की को देख नहीं सकते, ये गोरे जो है ना, गोरे ये जलते हैं। इसमें कोई ऐसे इंतजार फैलाने वाले लोग हैं ना, वो अफड़ा तफड़ी में चाहते हैं कि ताकि इंडिया में ये चीज ना हो, तरक्की ना हो। सही, अबे जल रहे हैं इंडिया के अंदर, इतनी तेजी से इन्वेस्टमेंट आ रहा है, बिलियंस ऑफ डॉलर्स का हर यार ये चीज उनसे वो देखी नहीं जा रही, वो स्लो स्लो आगे बढ़े इंडिया। अब सही छवें नंबर से बीट करके यूके को बीट करके पांचवें नंबर पे आया इंडिया, क्यों आया? ये चीज उनको देखी जाती है। वो बोलते पहले हम इन पे राज करते थे, आज हम इनके नीचे लग गए। क्यों लग गए यार? ये इंडिया की मेहनत है, इंडिया की मेहनत रंग लाई है तब नीचे लगे हो। ये चीज है, ये चीज अमेरिका के रिलेशन अब इंडिया से क्यों जरा से खराब हुए हैं? अमेरिका जरा सा डर गया इंडिया से, इसलिए डर के कहता है कि भाई मेरे तो सुपर पावर खतरे में आ गई। अब इंडिया जहरी बात है सुपर पावर की तरफ बढ़ा, पूरी दुनिया इनको सुपर पावर वर्ल्ड लीडर कह रही है। हमें आ रही कोई मानता नहीं, ये भी आते जाते हमारी बजा जाते हैं। तो भाई उस इस तरह से भाई इंडिया को नुकसान, बिल्कुल बिल्कुल नुकसान पहुंचाते हैं। आगे से इनको मुंह तोड़ जो यार, जब इंटरनेशनल लेवल पे इंटरनेशनल लीडर वो एक लिस्ट छपती है, मोदी जी पहले नंबर पे आती, क्यों आते हैं? बाइडन भी नीचे आ जाता है सारे। यार मजे की बात देखो ना, अब ये चीज हुई है, मोदी जी ने बोला फौरन इस मसले को हल करो और ये जिस तरीके उसके खिलाफ कार्रवाई करो, बहुत गुस्से में बिल्कुल यूएसए इसमें खास एक्शन ले कि ये क्यों विरोधी ने ये क्यों छापा है, क्यों छापा? अगर छापा तो छापा क्यों? हमें इस चीज का जवाब दो। ये देखो कितनी गलत बात, ये तीन बंदे है वही ना। अब यार गलत है, इंडिया तरक्की कर रहा है, उसकी तरक्की पे खुश होना चाहिए। आप देखो सेमी कंडक्टर में अमेरिका जारी बात है, भारत निर्भर हो जाएगा ताइवान का सारा सेटअप यार, उसको ये अब आग लगी हुई, अब मैं भारत के नीचे लग जाऊंगा तो भाई काम उसकी यही कोशिश है कि तमाम हमारे साथ आए, इंडिया साथ ना जाए। हम फिर ये चीज हम इंडिया से लेना पड़ेगी, ये चीज उसको हजम नहीं हो रही। वो ताइवान को अपनी तरफ खींचना चाहता है, तभी जहाज अपने उधर ताइवान की तरफ भेज देता है ना उसकी हिफाजत के लिए। चीन जब होता है ना थोड़ा सा हमले की कोशिश करता है ना, अमेरिका जहाज उधर भेज देता है, भाई डर के मारे चाइना भागे ना। लेकिन उसकी कोशिश यही है उसकी टेक्नोलॉजी देखना। लेकिन ताइवान ऐसा नहीं करता, ताइवान को पता है कि इंडिया हर मामले में मारे सच्चे, बिल्कुल 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 बिल्कुल। वो भाई अभी इस पर बात भी चल रही है, सेमी कंडक्टर की उम्मीद है बनना भी शुरू हो गए। कोई मैंने सुना उत्तर प्रदेश कोई ऐसे एक सिटी उधर ये काम शुरू हो चुका है, कमेंट सेक्शन में बताएं। हाँ मैंने भी सुना, हमने एक वीडियो बनाई थी उसमें काम शुरू हो चुका है, ताइवान के साथ मिलकर बनानी शुरू कर दी इंडिया ने। बिल्कुल, और इनको अब हजम नहीं हो रही, हजम चीज नहीं हो रही ना, ये चीज है, ये तरक्की इंडिया की तरक्की। और ऊपर से मेरे भाई और कोई मुल्क देखे ना देखे, गोरे इंडिया की तरक्की को नहीं देख सकते। वो बोलते थे पहले हम इस पे बादशाह थे, राज थे बड़े सखीर पे, हम पे राज करते थे, अब ये हमारा बादशाह बन गया। ये इतनी देख सकते हैं। और भाई जो आर्टिकल छाप किस तरह वो बदनाम करने की कोशिश करते हैं ना, असर माजरा तो नहीं है इंडिया, इंडिया किसी की चोरी तो नहीं कर रहा ना, कंपनियां खुद आ रही हैं, दुनिया के 101 मुल्कों की कंपनियां इंडिया में। सही का, बिल्कुल आपकी बात सही है। तो यार आप लोग बताएं आपके कहते हैं इस वीडियो के बारे में। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करें। इधर वीडियो खत्म करते हैं, हमने बहुत ज्यादा ख्याल रखिए।